नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैप के बारे में, आप रेविट के अंदर स्नैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपका ऑटो कैड में था, जैसे होता है स्नैपिंग कि अगर आप एक वॉल लिया आपने, देखो अगर आप किसी भी वॉल के मिडल में जाते हो तो आपको शो करता है मिड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जाते हो तो नियरेस्ट पॉइंट, एंड पॉइंट पे जाते हो तो शो करता है एंड पॉइंट, किसी भी एंगल पे जाते हैं तो आपको एंगल शो करता है 40 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, ये एंगल शो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ठीक, तो उसके लिए मैनेज पे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास से स्नैप्स, आप स्नैप्स पे क्लिक करें तो ये कुछ स्नैप्स के सेटिंग्स है। अगर आप अपने स्नैप को ऑफ कर देंगे, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे, शॉर्टकट है SO, ओके करें। अब आप यहां से वॉल लेंगे कोई भी तो आपका कोई भी पॉइंट को स्नैप नहीं करेगा। क्लियर, अगर आप स्नैप करना चाहते हैं तो स्नैप को आपको ऑन रखना होगा यहां से। क्लियर, अब बात आती है लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट्स, मतलब यहां पे इसने दिया हुआ है 1000 पे वो शो करे 100, 220 एंड 5 पे, मतलब कि जब भी आप एक वॉल बनाते हैं, अगर मैं एक वॉल बनाता हूं तो ध्यान से देखो वो 300, उसके बाद 400, 600, 700, 800, ये 100 पे स्नैप कर रहा है। ठीक है, और जूम आउट करके करता हूं तो वो 1000 पे स्नैप करेगा, और जूम इन करता हूं तो वो देखो अब यहाँ पे 20 पे स्नैप करेगा, 760, 860, 820, 840, और जूम इन करके करता हूं तो और भी शॉर्ट यूनिट जैसे 55 के स्नैप्स पे यहाँ पे है, अगर मैं और करता हूँ तो वो 55 पे करेगा, अगर मैं और यहाँ दिखाऊं तो देखो 25, 35। क्लियर है, तो ऐसे करके वो स्नैप करेगा। मैं चाहता हूँ 10-10 की डिस्टेंस पे वो मुझे स्नैप करे, तो उसके लिए स्नैप पे मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मेरे को 10 पे चाहिए एंड ओके। तो अब आप जैसे ही बनाएंगे तो आपको 10-10 पे भी स्नैप करके दिखाएगा, 20, 30, 40, ठीक है, 70, 80, 90, 200, तो ऐसे करके आप अपनी लेंथ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखें, मान लो मैं यहाँ से करता हुआ 1000 और यहाँ से करता हुआ 700, 800, 900, और जैसे ही मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो वो एक प्रोजेक्शन लाइन मेरे को दिखाता है और वो उसको स्नैप करना स्टार्ट कर देता है, जैसे दिखा हुआ है 993। वैसे ऑब्वियसली जाना चाहिए था 100 के उसपे, बट जैसे ही इंटरसेक्शन लाइन ये वाली लाइन आई तो वैसे ही उसने अपने अकॉर्डिंग स्नैप किया, 993 पॉइंट्स में भी उसने इस चीज को स्नैप किया। बट अगर आप टैप प्रेस कर देते हैं तो टैप प्रेस करने से क्या होगा, अगर आप स्नैप करें टैप प्रेस एक बार करेंगे तो वो उसको स्नैप नहीं करेगा, दोबारा से आएंगे दोबारा स्नैप करेगा, दोबारा टैप प्रेस करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली ही आपके यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल थ्रू स्नैप्स, आप यहाँ से टैप प्रेस कर सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है एंगल्स की, कि कितने कितने डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल स्नैप करें, 45, 15, 5 एंड 1 डिग्री का एंगल। उसके बाद बात आती है आपका, दोबारा मैं स्नैप पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप, जो ये ऑब्जेक्ट स्नैप है आपका यहाँ पे, ये सभी ऑन है कि आपका एंड पॉइंट भी स्नैप करे, मिड पॉइंट भी स्नैप करे, नियरेस्ट पॉइंट भी स्नैप करे। मान लो मैंने हटाया मिड पॉइंट, मेरे को स्नैप नहीं करना, मैंने अनचेक किया, ओके करें। अब अगर मान लो मैंने यहां से कोई भी वॉल ली, यहां से मैं कोई भी वॉल लेता हूं, अब दूसरी वॉल इसके सेंटर से लेना चाहूं तो वो मेरे को मिड पॉइंट स्नैप नहीं करेगा, वो हमें नियरेस्ट पॉइंट दिखाएगा, एंड पॉइंट दिखाएगा, ये वाला एंड पॉइंट दिखाएगा, बट कोई भी मिड पॉइंट आपको यहां से नहीं दिखाएगा। अगर ये मुझे देखना है तो मेरे को यहाँ पे दोबारा से जाना होगा स्नैप पे, एंड मिड पॉइंट को आप चेक करें, ओके करें। अब आप यहाँ से कोई वॉल बनाएंगे, अब आपको मिड पॉइंट को शो करेगा, फिर आप उस मिड पॉइंट के थ्रू अपना स्नैपिंग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं कि आपको एंड पॉइंट स्नैप करना है, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, परपेंडिकुलर, टेंजेंट पॉइंट्स, किसी भी चीज को स्नैप करना है तो आप इसकी हेल्प से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेट चाहिए लाइन, अगर मान लो आपको स्ट्रेट चाहिए जैसे ऑटोकैड में ऑर्थो ऑन करके होता है, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना, आप शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाएंगे तो आपकी लाइन ओनली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करेगी। ठीक है, वो कहीं पे भी आपके किसी भी एंगल पे नहीं जाएगी, अगर आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो वो आपका
कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली यहाँ पे मूव कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद है दोबारा से मैंने यहाँ से वॉल ली। अगर मैं यहाँ से एक वॉल बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका मिड पॉइंट मेरे को शो करे, ठीक है, मैं इतना देख नहीं चाहता कहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, काफी लंबी वॉल है, मान लो आपके पास एक वॉल काफी यहाँ पे लंबी है और आप यहाँ से बना रहे हो, मैं चाहता हूँ ओनली मिड पॉइंट शो करे, तो उसके लिए प्रेस करे SM, तो वो डायरेक्टली उसका मिड पॉइंट शो करेगा, वो और किसी पॉइंट पे नहीं जाएगा, वो ओनली मिड पॉइंट पे वो शो करेगा। ये शॉर्टकट्स आपके, आप मैनेज में जब जाएंगे, स्नैप्स पे जाएंगे, तो मिड पॉइंट के लिए शॉर्टकट है SM। डायरेक्टली आप स्नैप करना चाहते हो एंड पॉइंट को, तो आप प्रेस कर सकते हैं SE। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एंड पॉइंट शो करना है, ये आपने डिलीट की, आपने यहाँ से दोबारा से वॉल ली, अगर आप प्रेस करते हैं SE तो वो एंड पॉइंट शो करेगा डायरेक्टली, क्लियर है। मतलब स्पीडली वर्क करने के लिए आप इन शॉर्टकट्स को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके यहाँ पे शॉर्टकट स्नैप्स में, ऑन ऑफ करने के लिए SO, और सभी शॉर्टकट्स आपके यहाँ पे गिवन है। चेक नन करेंगे सभी नन हो जाएंगे, एंड चेक हो जाएंगे, चेक ऑल करेंगे कंप्लीटली आपके यहाँ से चेक हो जाएंगे। तो ये था स्नैपिंग, कैसे आप स्नैप करके अपने ड्राइंग्स को और भी ज्यादा इजिली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोकैड में स्नैप होता था, ऐसे ही आपका रैबिट आर्किटेक्चर के अंदर भी स्नैप होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने ड्राइंग्स को बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।